प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम जो है एक निबंध लेके आए हैं, जो निबंध रहेगा स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान बच्चों निबंध रहेगा, और या स्वच्छता स्वस्थ की जननी है ऐसे भी पूछ सकता है, अथवा करके या एक कदम स्वच्छता की ओर। ये वेरी इंपॉर्टेंस है बच्चे, हाई स्कूल हो परीक्षाओं के लिए या इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग रूपरेखा लिखेंगे। यानी अगर स्वच्छ भारत अभियान निबंध लिखना है तो पहले रूपरेखा, रूपरेखा हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना। प्रस्तावना जिस होता है बच्चों भूमिका, ये वेरी इंपॉर्टेंस है, यही जरूरी है प्रस्तावना। उसके बाद दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत एवं उद्देश्य। उसके बाद में तीसरा है वर्तमान समय में स्वच्छता को लेकर भारत की क्या स्थिति है। चौथा है स्वच्छता का महत्व, और उसका है उपसंहार। ये सब चीजें हेडिंग जरूर लिखना है, तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। उसके बाद लिखने के बाद आप अपने से बना के लिखेंगे, जरूरी नहीं बच्चों सब किताबों से लिखा जाए, सब नकल करके लिखा जाए, ऐसी बातें नहीं है। आप इस अगर हेडिंग ये जानते रहेंगे तो अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है बच्चों, थोड़ा देख लेंगे। यह सभी को मालूम है कि 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को महात्मा जन्म हुआ था। इस युग पुरुष ने भारत सहित पूरे विश्व को मानवता की नई राह दिखाई, मानवता की नई दिखाई। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष गांधी जी का जन्म दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, और इनमें कोई संदेह नहीं है कि वर्ष 2014 में 2 अक्टूबर को सम्मान गांधी जी को याद किया गया। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के कारण इस दिन का विशेष विशेष जो है महत्व। उसके बाद हम दूसरी हेडिंग देखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत एवं उसका उद्देश्य। उसका उद्देश्य क्या है, शुरुआत क्या है? तो स्वच्छ भारत अभियान एक देशव्यापी अभियान है। गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के आरंभ की घोषणा। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर के दिन सर्वप्रथम गांधी जी को राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की, और फिर नई दिल्ली में स्थित वाल्मीकि स्मृति बस्ती में जाकर झाड़ू लगाई। और इसके बाद मोदी जी ने जनपथ पर जाकर इस अभियान की शुरुआत की, और समस्त देशवासियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने की अपील की। तीसरा क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग, वर्तमान समय में स्वच्छता की को लेकर भारत की स्थिति। यानी वर्तमान समय में लेकर स्वच्छता की भारत क्या स्थिति है बच्चों, केंद्र सरकार यानी भारत सरकार, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की गंदगी मुक्त भारत की संकल्पना अच्छी है, तथा इस क्षेत्र में उनकी ओर से किए गए शुरुआती प्रयास भी सराहनीय है। तो अब देखेंगे हम लोग चौथा, स्वच्छता का क्या महत्व। चौथी हेडिंग बच्चों है स्वच्छता का महत्व। देखो क्या, भारत को स्वच्छ बनाने के साथ साथ पूरी तरह खुले में शौच मुक्त बनाना है। आप अपने मन से लिख सकते हैं, मुक्त बनाना है। गंदगी के कारण कई सारी जानलेवा बीमारियां फैलती हैं, और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों दैनिक यानी डेली दैनिक रूप से अपने शरीर शरीर अपने शरीर घर के आसपास के क्षेत्र स्कूल कार्यालय की साफ सफाई करना, ये स्वच्छता का महत्व है। आप हम लोग उपसंहार में क्या लिखेंगे, तो स्वच्छता के प्रति हम सभी को नैतिक जिम्मेदारी है, और वर्तमान समय में यह हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। हमें अपने दैनिक जीवन में तो साफ सफाई को एक आंदोलन की तरह शामिल करने की जरूरत है बच्चों। साथ ही हमें इसे एक बड़े स्तर पर भी देखने की जरूरत है, ताकि हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे और हम भी जो है स्वस्थ रहे।